तो आज हम लोग हैं फुलवारी शरीफ में हैं। तो ये कौन सा कैंपस है, ये क्या कैंपस है? ये बामेती इनको बोला जाता है, बामेती परिसर है, जहाँ जो बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो है बिहार एग्रीकल्चर से यहाँ पर ट्रेनिंग होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिकॉग्नाइज है। तो यहाँ एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट है या इससे एलाइड जो भी सेक्टर, यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था की। तो क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार तिवारी है। तो सुधीर जी क्या करते हैं आप? मैं अभी सहायक निदेशक उद्यान के पद पर नवादा जिले में कार्यरत हूँ। सहायक निदेशक उद्यान, अंग्रेजी में कहें तो क्या होगा? असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी फूल पत्ती ये सब हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। फूल पत्ती सब्जी हो गया, आपका हो गया, अच्छा पौधा हो गया, उद्यानिक फसल हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया। अच्छा, अरे ये बताइए कि पूरे भारत में जब भी कोई चुनाव लड़ा जाता है या कोई भी बड़ी बात होती है, या हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, 90%, 80%, 85% या जो भी प्रतिशत है ना, मैक्सिमम लोग कृषि में लगे हुए हैं। तो ये जो कृषि जो है ये बागवानी से कैसे अलग है? अब उद्यान तो बाग हो गया, पार्क हो गया एक तरीके का, कैसे आप अलग मानते हैं? कृषि जो है और बागवानी दोनों में आप जो है दोनों को साथ लेके चल सकते, इसको बिल्कुल अलग आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि कृषि जो बागवानी भी है वो कृषि कार्य में ही है। अच्छा। एक्चुअली क्या कृषि में आप लोग जैसा हम लोगों का सोच है कि कृषि में जैसे धान गेहूं ही कृषि बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धान गेहूं के साथ साथ जो है फल फूल सब्जी, अच्छा, जो हमारे मानव के लिए आवश्यकता है भोजन के रूप में, आप फल फूल सब्जी भी लेते हैं, तो इसको कृषि कार्य से अलग नहीं कर सकते हैं। आप कृषि के साथ रह के ही इसको आप सोच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कृषि के अंतर्गत जैसे कि हम लोग का सोच है कि धान गेहूं की उपज करेंगे, चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, तो चावल रोटी खाने से तो हमारी पेट की आवश्यकता तो पूर्ति नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या फल फूल सब्जी की तरफ जाना होगा, सब्जी खाएंगे, इसके लिए आपको सब्जी के लिए क्या बागवानी की तरफ जाना होगा। तो आप इसको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं, साथ में रख के ही चलना होगा। अरे ये बताइए कि 5 साल का MBBS का कोर्स जब करते हैं हम लोग, तो हम लोग कहलाते हैं डॉक्टर, और वही हम करते हैं इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल या 5 साल का, तो हम BTEC कहलाते हैं, इंजीनियर कहलाते हैं। होम्योपैथिक का कोर्स करते हैं तो उसमें भी हम डॉक्टर कहलाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर कहलाते हैं। तो ये एग्रीकल्चर का कितने साल का कोर्स है और फिर क्या कहलाते हैं आप? ये एग्रीकल्चर जो है ये 4 साल का कोर्स है, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स में माना जाता है। और आप एग्रीकल्चर करते हैं तो इसको आप एज ए एग्रीकल्चरिस्ट भी बोल सकते हैं, जैसे आप वैज्ञानिक को लोग बोलते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं, तो इसमें भी डॉक्टर की डिग्री मिलती है। अगर आप PhD करते हैं एज ए प्रोफेशनल जो है, आप वैज्ञानिक इसमें भी आप बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। तो इसकी जो जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि इसमें जो है 4 साल के कोर्स है, ठीक है, और 2 साल का PG है, और नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है इसमें भी आप जो है PhD वगैरह और डॉक्टर वगैरह करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। आइए शेड में, और मेरे साथ भी बहुत सारे दोस्त। तो ये एग्रीकल्चर ऑफिसर का क्या काम होता है, समाज में क्या काम रहता है सोसाइटी में? एग्रीकल्चर एज एग्रीकल्चर अफसर आप जो है सबसे पहले तो फूड सेफ्टी की जो बातें आ रही है कि जो है अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना, जो आपकी टेक्नोलॉजी है लैब में उस टेक्नोलॉजी को जो है हमारे किसानों के बीच में देना, ताकि जो है अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो के, और प्रोडक्शन के साथ साथ गुणवत्ता युक्त जो है क्वालिटी प्रोडक्शन हो, और क्वालिटी भी मेंटेन रहे और क्वांटिटी भी प्रोडक्शन करे। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे हैं सर, आगे हैं, ठीक है, ओके।